नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी और पीटेट एग्जाम 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। प्रिय दोस्तों, ये पार्ट नंबर 28 है। इससे पहले 27 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने 27 वीडियो नहीं देखे हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बनकर आता है इसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वन्य जीव को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया? तो मित्रों, वन्य जीव को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था 1976 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है वन्य जीव को 1976 में समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभयारण्य जिसमें से होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है वह है? तो फुलवारी की नाल अभयारण्य मित्रों, इसमें से मानसी वाकल नदी गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा हरियाणा के साथ कितनी लगती है? तो मित्रों, राजस्थान की स्थलीय सीमा हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ये ध्यान रखना किसके साथ लगती है, हरियाणा के साथ। 870 किलोमीटर यूपी के साथ लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1600 किलोमीटर एमपी के साथ यानी कि मध्य प्रदेश के साथ। 1022 किलोमीटर गुजरात के साथ लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पांचवा राज्य है मित्रों पंजाब, पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। और एक देश है पाकिस्तान जिसके साथ लगती है 1070 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखें, पांच राज्य और एक देश पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। और टोटल जो सीमा है इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान की स्थलीय सीमा की, 5920 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, 5920 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य की स्थलीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, स्थलीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है मित्रों 25। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन राइट है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रिय दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कोटा नगर कहलाता है राजस्थान का कानपुर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी या राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 18 मार्च 1948, ये डेट याद रखना, 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। कुल कितने चरण थे? 7 एकीकरण के चरण थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला उपनाम से जाना जाता है? बताइए मित्रों, 52 दुर्गों का लाडला उपनाम से जाना जाता है मित्रों बाला दुर्ग को। ये बाला दुर्ग राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, इसका ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने महाराज जसवंत सिंह को किस महल में उपदेश दिए थे? बताइए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने महाराजा जसवंत सिंह को किस महल में उपदेश दिए? तो याद रखना, रायका बाग प्लेस में, इसका ऑप्शन ए राइट है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, रायका बाग प्लेस याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने महाराजा जसवंत सिंह को उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, सियालोदरा सीकर में निम्नलिखित में से किस लोक देवता का प्रमुख मंदिर है? बताइए दोस्तों, सियालोदरा सीकर में मामा देव जी का प्रमुख मंदिर है, इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति ना होकर लकड़ी का तोरण होता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति ना होकर लकड़ी का तोरण होता है, तो ये याद रखना, मामा देव जी हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन यहां पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम कमला अंबस परियोजना किस जिले में संबंधित है? बताइए दोस्तों, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है, यह डूंगरपुर जिले से संबंधित है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों, आज का जो लाइक का टारगेट है वो है 100 लाइक, आपको करना है जब तक ये वीडियो चलता है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें।
अगला क्वेश्चन है, सोम नदी का उद्गम कहां से होता है? बताइए दोस्तों, सोम नदी का उद्गम होता है मित्रों बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां से। कहां से होता है? बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? बताइए दोस्तों, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? तो याद रखना, मारवाड़ का शासक था मालदेव। मालदेव के साथ जो गिरिशमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है, 1544 ईस्वी में। ये मित्रों मालदेव के व्यवहार से रुष्ट होकर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था उस समय, ये आपको ध्यान है रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? देखो दोस्तों, राजस्थान का पूर्वी द्वार कहलाता है भरतपुर। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो यह आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है अलवर, तो इसका ऑप्शन ए यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला जिला है? सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला जिला है मित्रों झालावाड़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बताइए दोस्तों, न्यूनतम अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला जिला है मित्रों भीलवाड़ा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। देखो, सर्वाधिक तो झालावाड़ बनाता है और न्यूनतम बनाता है भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी साख समितियों का ढांचा है? बताइए मित्रों, जो सहकारी साख समितियां, इनका ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय है। कैसा ढांचा है? त्रिस्तरीय, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? खारी एवं लवणीय भूमि को कहते हैं ऊसर भूमि, खारी एवं लवणीय भूमि को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजा राज सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, राजा राज सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता मित्रों कृपाराम। कौन है? कृपाराम, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? बताइए दोस्तों, बीकानेर के कौन से शासक ने मुगलों की आजीवन सेवा की? तो याद रखना, महाराजा राय सिंह ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था? तो मित्रों, कॉमनवेल्थ गेम्स में डिस्कस थ्रो नामक जो खेल स्पर्धा है, इसमें स्वर्ण पदक जीता था कृष्णा पूनिया ने। और ये कृष्णा पूनिया मित्रों वर्तमान समय में कांग्रेस से राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? बताइए मित्रों, राजस्थान में पहली आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला स्थापित की गई है मित्रों अजमेर में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सिद्धा योजना कब लागू की गई? स्वयं सिद्धा योजना ये लागू की गई थी मित्रों 2001 ईस्वी में। कब? 2001 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहां पर राइट है। प्रिय साथियों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। 100 लाइक जब तक ये वीडियो चलता है तब तक आपको करना है। तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है? तो मित्रों, जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है एसपी, जिसे कहते हैं पुलिस अधीक्षक। इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो मित्रों, रावलपिंडी जो जिला है पाकिस्तान का, यह राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। बहावलनगर, खेरपुर, अमरकोट, ये जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं लेकिन रावलपिंडी नहीं बनाते, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है? बताइए मित्रों, राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो श्रीगंगानगर नहीं बनाता है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये दो जिले मित्रों पंजाब के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? बताइए मित्रों, भरतपुर संभाग राजस्थान का नवीनतम संभाग, सातवां संभाग है मित्रों। 4 जून 2005 को यह संभाग बना था, यह आपको ध्यान रखना है। और इसमें राजस्थान के चार जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? भरतपुर,
सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, ये चार जिले आते हैं। इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, सरकार की आंख कान तथा भावों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सरकार की आंख कान तथा भावों की भांति जिले में कार्य करता है जिलाधीश, यानी कि जिला कलेक्टर। इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं? बताइए मित्रों, तो देसुरी व हाथी दर्रे, ये अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, ताल छप्पर और पड़िहारा रण क्षेत्र स्थित है? बताइए मित्रों, ताल छप्पर और पड़िहारा रण क्षेत्र स्थित है मित्रों सेकावाटी क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है, सेकावाटी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? बताइए दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट, खांदू जो गांव है मित्रों, यहां से माही नदी प्रवेश करती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो स्टार लगा लेना, एग्जाम में आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। माही नदी खांदू गांव से प्रवेश करती है जो कि बांसवाड़ा जिले में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र यह स्थापित किया गया है वल्लभ नगर उदयपुर में, वल्लभ नगर उदयपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल का जहाज कहलाता है? बताइए दोस्तों, मरुस्थल का जहाज, यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज, यह भी राइट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन यहां पर राइट है। और दोस्तों, पालतू जीवों के अंतर्गत अगर बात करें तो ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, वैसे तो चिंकारा है यह वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत है राजस्थान का राज्य पशु, लेकिन पशुधन श्रेणी के अंतर्गत अगर बात करें, पालतू पशुधन श्रेणी के अंतर्गत, तो राजस्थान का राज्य पशु आता है ऊंट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, घास के मैदान होते हैं या चारागाहों को, इनको कहते हैं बीड़। इसका ऑप्शन ए यहां पर राइट है, बीड़। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में तेज हवा चलने से मिट्टी उड़ने से बनने वाले चक्रवातों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लेना दोस्तों, आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गर्मियों में तेज हवा चलने से मिट्टी उड़ने से बनने वाले चक्रवातों को स्थानीय भाषा में बुलबुलिया कहते हैं। इसका ऑप्शन ए यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण की परंपरागत विधि खड़ीन किस क्षेत्र में प्रचलित है? जल संरक्षण की परंपरागत विधि खड़ीन ये किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो याद रखना, जैसलमेर में प्रचलित है। इसका सी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में स्थित पलाया झीलों के नम क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पलाया जो झीलें होती है मित्रों, इनका जो नम क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है खड़ीन। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से खड़ीन बनाने का कार्य कौन करते हैं? बताइए मित्रों, ऑप्शन आपके सामने, मेघवाल, जाट, पालीवाल, ब्राह्मण, राजपूत। तो मित्रों, कृत्रिम रूप से खड़ीन बनाने का कार्य करते हैं पालीवाल, ब्राह्मण। इसका सी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, पलाया झीलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पलाया झीलों को अन्य रन टाट मरो इन सभी नामों से जाना जाता है। इसका डी ऑप्शन यहां पर राइट है। तो दोस्तों, आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुलायम लवण की परत युक्त पलाया को क्या कहते हैं? मुलायम लवण की जो परत होती युक्त होती है पलाया जिले, उन्हें सेलिनास कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, सेलिनास। इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? बताइए दोस्तों, प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो यह याद रखना, नागभट्ट प्रथम। इसका बी ऑप्शन राइट है, नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चामंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। बताइए मित्रों, ये मेवाड़ की राजधानी चामंड कब तक रहा था? तो मित्रों, चावंड रहा था 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी। इसका डी ऑप्शन यहां पर राइट है।
अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह प्रत्यार राजवंश की देन है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक था? बताइए दोस्तों, मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित जो प्रारंभिक शासक था वो था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? तो ह्वेनसांग मित्रों राजस्थान के भीनमाल नामक शहर में रुके थे। ये जो भीनमाल है ये जालौर में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है भीनमाल कहाँ पड़ता है, किस जिले में, तो जालौर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? बताइए दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। राणा सांगा जब घायल हो जाते हैं तो उनका जो राजचिन्ह होता है, राजचिन्ह, इसको किसने धारण किया था ये आपको बताना है। तो ये धारण किया था झाला अज्जा ने, और युद्ध को क्या जारी रखा था? इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? तो बयाना के युद्ध में हराया था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नागौर जिले से नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध नागौर जिले से नहीं है? शुक्र तालाब नागौर जिले में है। जब 1570 ईस्वी में अकबर नागौर दरबार का आयोजन करता है उस समय अकबर ने शुक्र तालाब भी बनवाया था। पाड़ा माता मंदिर ये भी नागौर जिले में है। केवाई माता का मंदिर ये भी नागौर जिले में है। सोनी जी की नसिया ये नहीं है, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है, नागौर जिले से संबंधित नहीं है सोनी जी की नसिया। तो आपको बताना है सोनी जी की नसिया किस जिले से संबंधित है? इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, सोनी जी की नसिया किस जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जयपुर जिले से संबंधित नहीं है? बताइए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जयपुर जिले से संबंधित नहीं है? तो मित्रों बिड़ला मंदिर ये जयपुर जिले में पड़ता है, गोविंद देव मंदिर ये भी जयपुर जिले में पड़ता है, सिटी प्लेस ये भी जयपुर जिले में है, लेकिन जिलानी माता का मंदिर है ये मित्रों अलवर जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, भड़ार क्या है? भड़ार क्या है? तो मित्रों विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज होता है, उसे भड़ार कहते हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? तो मित्रों कतरियासर बीकानेर में स्थित है प्रमुख पीठ जसनाथ जी की। इसका डी ऑप्शन राइट था और आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। आपको पुनः कहता हूँ, क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? ऑप्शन आपके सामने है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।